चलो चलो माँ। तो रास्ते, रेलवे, पोस्ट सब, तो ये भी है। फिर उसका भी न मिलेगा मुरली तो ऐसे नहीं अवस्था ही खराब हो जाए। अब ये नहीं, ऐसी नहीं कच्ची अवस्था, इतनी मजबूत रखनी है कैसे भी समय आए। जो धारणा बनाई है वो धारणा बनी रहे। तो ये सभी आपको इन एडवांस में बातें समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समय आने के हैं कि कभी आपको लोगों को मुरली नहीं मिलेगी कितने कितने रोज। तो हम आप लोगों को बताते, ऐसे नहीं है मुरली न मिले, आप क्लास में ना आ सको कोई कारणवश, तो ऐसे अवस्था एकदम जो है थोड़ा वाटा वो बदला है, थोड़ा वाटा थोड़ा चढ़ती है तो हो हाँ, फिर अब फिस होती है तो एकदम ठंडी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको कहेंगे इसको सोडा वाटर वाला जोश था एकदम शमशान में। तो जब ही शमशान में जाते थोड़ा बैरा कर देखते नहीं भाई क्या कैसा मर गया क्या हुआ, तो थोड़ा सा बैरा अभी कुछ करेंगे हम जीवन का, कुछ मसाए से बाहर आया ना वो बस वहाँ की वहाँ रही फिर खत्म हो जाते हैं। नहीं, इसको अस्थाई बनाना है, जो कुछ करने का है करके रहना है। तो ऐसी ऐसी बातों को अच्छी तरह से रखते अपना पुरुषार्थ अच्छा बनाने का ये अपना ध्यान रखना, और ऐसे पुरुषार्थ करने वाले ही अपना पुरुषा अच्छा बना सकेंगे। बाप है उनकी तो जितनी फर्ज अदाई है और पार्ट है वो तो अपना देता ही रहेंगे और उसको बजाना ही है, उनको तो अपना कंप्लीट दे करके ही जाना है। परंतु उसका भी लिमिट है, ऐसे नहीं है कंप्लीट है जहाँ हम ढीले ढीले चलेंगे तो हमारे लिए बैठ जाएगा, हमारे लिए नहीं बैठेगा। उसका टाइम है, वो उतना टाइम अपना सर्विस करके अपना काम पूरा, उसी के अंदर हमको बनना है। तो हमको टाइम का ख्याल रखना है, गाड़ी का ये टाइम है हमको पहुंचना है कि यहाँ की गाड़ी हमारा ख्याल रखेंगी क्या हमको रखना है नहीं जिनको चढ़ना है। तो ऐसे ना हो कहीं गाड़ी में छूट जाए, तो ये ख्याल रखने का है। देखो ये भी गाड़ी कहाँ चलती है ये मुक्ति जीवन मुक्ति धाम यात्रा की गाड़ी निकालते है नहीं ट्रेन निकलती है यात्रा की, तो ये अभी हमारी बाबा ने सच्ची यात्रा की गाड़ी निकाली है तो ये है यात्रा की गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं तो टिकट तो ले लेनी है। चलो चलो माँ, चलो चलो माँ। तो सच्ची सेवा है ना, तो अभी आप लोगों को रखना चाहिए जवाबदारी अपने पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज हमारे को मिली है हम अपने देशवासियों को अथवा आप तो कहते ना चैरिटी बिगिंस एट होम तो अभी पहले अपने जो है उन्हों को देना और फिर आगे भी बढ़ना, तो ऐसा ऐसा कोशिश करो। आठ घंटे अपने सर्विस में देते हो लौकिक 24 घंटे सारे दिन में तो भी 16 घंटा रह जाते हैं, उसमें भी 8 घंटे चलो नींद करो आराम करो दूसरा करो जो कुछ करना 16 घंटा छोड़ लेते हैं, 8 घंटा सर्विस का 8 घंटे दूसरा, तो भी 8 घंटे बचेंगे अच्छा 8 घंटे नहीं तो भी चला 4 घंटे तो दियो इतना तो भला करो, तो 4 घंटे में भी कितना काम हो सकता है। कहते घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनाद, इतना भी काम दियो तो भी बहुत काम हो सकते हैं समझा। तो ऐसा कुछ करो और थोड़ा बहुत अपना तो इससे देखो बल मिलेगा, ये जीवन भी अच्छी रहेगी और बाकी शरीर निर्वाह का काम तो करना ही है। ये तो आपको नहीं करते सन्यासियों के माफिक छोड़ो नहीं, बच्चे रचना रची है उनको संभालना है अपना शरीर निर्वाह, कर्म योगी है ना, पेट के लिए रोटी के लिए तो काम करना ही है, तो ये तो बात कोई कहते भी नहीं है कि छोड़ो करो, परंतु टाइम जाए बहुत जाता है। अगर कोई अच्छा टाइम को चलाने वाला हो तो बहुत टाइम निकाल सकते, बाकी तो देखो बहुत झंझटों में घर गृहस्थी सिर्फ इतना नहीं है बहुत झंझटों में मनुष्य अपने टाइम वेस्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी। अभी तो बाबा ने आकर करके सब वेस्टेज से बचाया है, सिगरेट पिक्चर फलार फला कितने खाना पीना फालतू इधर, अभी देखो आप लोगों को आप खर्चे का बचाव मिला है, इसमें अपना जीवन भी अच्छा सब में फायदे फायदे, तो ये तो फायदे की नॉलेज है ना, किसको नुकसान पड़ा है क्या कुछ नहीं। अगर कुछ कोई बीमार पड़ा होगा कोई कुछ हुआ होगा तो भी अपने कर्मों का उसमें कोई ज्ञान का कसूर हो रही है वो तो होता ही रहते हैं किसका अपने कर्म का, तो भी ज्ञान से तो और बल मिलता है कि हमारे जीवन में सुख शांति चाहिए तो हम करें भी जीवन से ना, महिमा करते रहेंगे भगवान की कीर्तन गाते रहेंगे वो करते रहेंगे तो खाली कहने से क्या हो जाएगा हम भी प्रैक्टिकल करें, हम भी करें तो हमको भी प्रैक्टिकल मिलेगा। बाबा दास समझते हो ना उनके कहे फरमान जो बाप कहते हैं ऐसा चलना और उसके फरमान पर रहना और अपना ही लिए ही है, उससे सच्चा रहना मना आपसे अपने से सच्चा रहना है, उससे जूठा बना अपने से जूठा है, तो उनसे जूठा बन के क्या करेंगे वो तो धर्मराज के डंडे में अच्छी तरह से समझ लेंगे
और स्टेशन के ऊपर भी आप लोगों को बता देते हैं, बहुत तकलीफ नहीं लियो, हम तो यहाँ मिले अभी स्टेशन पर तो करके यहाँ दो चार मिनट और मिलेंगे। हाँ वो तो बात रहे है, परंतु हम एक बात बतलाते कभी भी, जब हम आते हैं पुणे जाते हैं हमने पहले लिख दिया कोई फूल नहीं, कोई यहाँ गमसान नहीं, कोई स्टेशन पर तकलीफ नहीं, हम घर में आके पहुँचेंगे, अपने घर है ना। तो अपना कभी माँ बाप बच्चों के पास आते हैं, कभी बच्चे माँ बाप के पास आते हैं, कभी तो अपने घर ही है ना। बाप भी हमारा गुप्त, हम बच्चे भी उससे गुप्त, तो हमारा काम भी गुप्त, इसलिए इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तो अपना कोई इसमें अहंकार अभिमान तो रखने की है नहीं बात, दूसरों के जीवन बनाने के लिए, बाकी इसमें अपने कोई स्वमान की इनकी ये तो बातें है ही नहीं। इसीलिए अपना सब बातों का हम, क्योंकि निरहंकारी बाप है नहीं, तो हम बच्चे भी निरहंकारी, तो हमको भी ऐसा ही हाँ, निर्वैरी निर्भय निर्भय, हाँ कोई भय नहीं, हम किसी भय खाने वाले नहीं है। अरे पांच विकारों के ऊपर ही हम डालने वाले, बाकी भय किससे खाने का है, दृढ़ता रहनी चाहिए, हम किसके संतान है कौन है, ऐसे जो मजबूत है ना, जिसके पांव अंगद के माफिक मजबूत है, ऐसे नहीं ऐसे हिले, वो अंगद का मिसाल है ना, हम कभी नहीं हिलेंगे हाँ, तो ऐसा खड़ा रहना। तो हमको ये काम को नहीं खड़ा करने का, ये बुद्धि को हाँ मजबूत, उसी के याद में उसी के फरमान पर उन्हीं के बातों के ऊपर चलने पर ऐसा रहना है। चलो चल माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव में, चलो चल माँ।